फ्रेंड्स, स्टडी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि DSSSB ने आज 1 अक्टूबर 2019 को अपना डास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। इसका पोस्ट कोड था 81/17 और एडवर्टीजमेंट नंबर था 3/17। इसकी क्लोजिंग डेट थी 21/11/2017। टोटल 266 पदों पर आवेदन मंगाए गए थे, जिनमें से अनरिजर्व के लिए थी 135 वैकेंसी, OBC के लिए 78, SC के लिए 34, ST के लिए 19। इन्हीं में एक्स सर्विसमैन के लिए 48, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 11 और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी 16 वैकेंसियाँ थी। तो जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 81/17 पोस्ट कोड के लिए, वो 16/7 से लेकर के 19/7 और 22/7 से लेकर के 25/7/2019 के बीच हुआ था। तो इसका रिजल्ट अब DSSB ने अनाउंस कर दिया है डास ग्रेड 2 का। दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, इसके लिए लाखों बच्चों ने आवेदन किया था। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे जो आपके मार्क्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि अभी सर्वर काफ़ी बिजी चल रहा है, तो इसलिए आराम से आप अपना रिजल्ट थोड़ी देर बाद भी देख सकते हैं। टोटल 266 वैकेंसी के लिए 2612 बच्चे इन्होंने टायर 2 के लिए बुलाए हैं, जो कि 1:10 के रेशो में रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हम आपको आगे बताएंगे। आप अपना रिजल्ट DSSSBonline.nic.in पर अपनी लॉगिन करने के बाद अपने ID पे देख सकते हैं। जो अगर बात करते हैं कट ऑफ की, तो टोटल वैकेंसी 266, अनरिजर्व के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं 971 और जो लिस्ट लगी है 200 मार्क्स में से वो लगी है 146.35 पे। OBC की बात करें तो 128.66 पे लिस्ट लगी है OBC की, SC की 123.35 पे, ST की 117.34 पे, एक्स सर्विसमैन की लगी है 80.77 पे। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट्स की लगी है 100.44 पे और फिजिकली हैंडीकैप्ड की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 119, 60 और 63 नंबर पे लिस्ट लगी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो अनरिजर्व्ड के लिए थी। टोटल कैंडिडेट उसके लिए 971 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और जो कट ऑफ है वो 146.35 है। अब OBC की बात करते हैं, तो OBC और इसके बीच में तकरीबन 15 से ज़्यादा नंबर्स का डिफरेंस है। और ये OBC की बात की जाए तो यहाँ OBC सिर्फ दिल्ली वाले ही के काउंट होंगे, जो सेंट्रल OBC की लिस्ट में आते हैं वो यहाँ काउंट नहीं होंगे, ऐसा DSSB ने अपने साफ साफ लिखा है। आप थर्ड पॉइंट में आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि DSSB ने कहा कि ये अभी फाइनल नहीं है, अभी स्क्रूटनिंग नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे मेन बात है अनरिजर्व्ड के लिए 146.35, OBC के लिए 128.66, SC की लिस्ट लगी 130.35 पे, ST की 117.34 पे, एक्स सर्विसमैन की 80.77 पे और स्पोर्ट्स पर्सन की 100.44 पे। तो टोटल ये लिस्ट लगी है। हालांकि पिछली बार तो लिस्ट 100 से भी कम थी और इस बार काफ़ी उछाल देखने को आया है। तो अब जिनका भी टायर 2 हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है तो भी एक पोस्ट कोड और रहता है हेड क्लर्क के पोस्ट के लिए CBSE का, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपना रिजल्ट DSSSBonline.nic.in पे जाके देख सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी बॉक्स चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई लॉगिन करने में समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये रिजल्ट जैसा कि आज DSSB ने बताया था, मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया इन्होंने पहले ही बता दिया था कि अनरिजर्व्ड को मिनिमम 40% मार्क्स, OBC को 35, SC ST फिजिकली हैंडीकैप को 30% और 30% एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उसकी कैटेगरी के आधार पे, लेकिन 30% से मिनिमम मार्क्स किसी पे भी नहीं होंगे। इसके अलावा 1:10 के रेशो में लिया गया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर आया है, तो आप अपना स्कोर DSSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। वेब लिस्ट लगी 146.35 और OBC दिल्ली 128.66, SC 123.35, ST 117.34, एक्स सर्विसमैन 80.77, स्पोर्ट्स पर्सन 100.44। तो दोस्तों, आप देख रहे थे स्टडी बॉक्स चैनल। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।